हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आप सभी को मेरे और एक ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। आज है दिन फ्राइडे और अभी सुबह का 6 AM हो रहा था टाइम। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माई अर्ली एंड रियल मॉर्निंग रूटीन। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चलिए देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और हाँ, पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते जाइए। और हाँ, क्या क्या ब्लॉग आप लोग देखना पसंद करेंगे तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो सुबह उठ के मैं फ्रेश होके उसके बाद गर्म पानी लिया था और थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज भी किया था। तो फिर मैं आ गई थी, ये कुछ कपड़े था कल का, तो कल रात को ही मैं जो जो वॉश करना होता है वो सब यहाँ पर टब में जमा के रखती हूँ। और फिर जो है मैं अभी पानी में भिगो दिया है मैंने, और बाद में मैं वॉश करूँगी। और उसके बाद पूरे घर पे मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं सीधा किचन पे आ गई थी। और वैसे तो पता ही है आप लोग को, जिन लोग हमारे ब्लॉग देखते हो, सुबह उठ के मुझे लंच पकड़ना होता है। तो अभी यहाँ पर जो है राइस मैंने बिठा दिया था और कुछ बर्तन था कल रात का, तो वही अभी मैं क्लीन करूँगी। और गैस ओवन मैं पहले ही क्लीन करके रखा था, क्योंकि सुबह उठ के फिर एक बार मैं किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर ना कुछ ये दूध का बर्तन जो होता है ना, और कढ़ाई वगैरह ये सब थोड़ा रह गया था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी नहीं धो पाते हम, क्योंकि ये दूध का और आटा का जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा भीगने में टाइम लगता है, इसके लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और हाँ, ये कुछ सुबह का चाय भी पीना हो गया था तो कब वगैरह था। तो ये सब धोने के बाद मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लूँगी। और आप लोगों ने देखा मैं शक लेके आई थी, तो मैं जो टॉप पे लगा के रखी थी ना, तो वही से लेके आई हूँ। तो आज शक बनेगा, उसके साथ बनेगा एक कड़ी और एक मिक्स वेज बनेगा। तो यही होगा हमारा आज का सिंपल सा लंच। तो चलिए फटाफट ये सब बर्तन वगैरह धो लेते हैं, फिर जो है खाना पका लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। कलमी साग को हम थोड़ा सा सॉल्ट दे के फ्राई बॉइल कर लिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं साग बना रही हूँ। हमारी बंगाली शादी में जिस स्टाइल में होते हैं ना, उस स्टाइल में हम बना रही है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा खड़ा जीरा और उसके साथ एक सूखा मिर्च ऐड किया था। और ये गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मूँगफली ऐड किया है। तो मूँगफली देने से जो है ना, शादी में जिस तरह से साग बनते हैं उसी तरह खाने में अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन ऐड किया था
और अभी मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन, और ऑनियन आप लोग चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैं डालती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है मैंने, सॉल्ट जो है एकदम देख के ही देना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए साग जो है एकदम थोड़ा सा ही था, तो मैं टॉप पे लगा के रखी थी थोड़ा सा, तो एक हफ्ते में ना एक दिन हम खाते हैं इस तरह से ही, और फिर से कट करके फिर से वो जो पत्ता वगैरह था ना उसे से फिर से निकालेगा। और अभी देखिए हमारा ब्रेकफास्ट है ये 1 पाव रोटी, और उसी के साथ है ये ओरियो बिस्किट। तो आज जो है ब्रेकफास्ट में और कुछ खाने का मेरा मन नहीं किया, तो इसके लिए मैं और बेटू दोनों ने सोचा कि यही खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, और बाद में भूख लगेंगे कि और कुछ पकाएंगे। तो बेटू का ऑनलाइन क्लासेस भी हो गया था, अभी जो है 9:30 हो रहा था टाइम, तो देखिए मेरा सब काज कंप्लीट हो गया है, और पोती देव भी ड्यूटी चला गया है, और सिर्फ मुझे ये पोछा लगाना बाकी है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पोछा लगाएंगे। अभी जो है थोड़ा सा हम बैठ के रेस्ट करेंगे, तो क्योंकि किचन में हम जब भी रहते हैं तो गर्मी स्पेशली जो है गर्मी के टाइम में तो पसीना पसीना तो हो ही जाते हैं, और अभी इस टाइम मानसून के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी देखिए बेटू का नहाना हो गया था, तो उसने बोला कि फिर से मम्मी मुझे पॉपकॉर्न खाना है, तो इसलिए मैं फिर से किचन पे आ गई थी पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो ये देखिए ये बोल रहा था कि मम्मी पॉपकॉर्न बनाओ, वो बहुत ही मज़े से खा रहा था। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ही हम एंड करते हैं, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।